सोशल मीडिया के सामने कुछ भी नहीं छिपता। कभी यहाँ लोगों का टैलेंट देखने को मिलता है तो कभी उनके कुकर्म। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो हाल ही में तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें गुस्से में भरी एक महिला एक गरीब रेहड़ी वाले के फलों को सड़क पर फेंक रही है। ये वीडियो भोपाल का है और इस पर आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज तक के रिएक्शंस आ रहे हैं। अब ठेले वाले के फल फेंकने वाली महिला प्रोफेसर पर एक्ट्रेस गौहर खान ने भी इस वीडियो पर रिएक्शन दिया है। एक्ट्रेस गौहर खान सोशल मीडिया पर भोपाल का वीडियो देख भड़क उठी हैं। दरअसल ये वीडियो पेपराजी के इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की गई थी। इस वीडियो को देख गौहर खान ने भी उस पर कमेंट किया है और लिखा है, दिमाग खराब है, इसे शर्म आनी चाहिए। कृपया मुझे इस ठेले वाले के बारे में जानकारी दें, मैं इसके सारे फल खरीदना चाहती हूँ जिसका नुकसान इस महिला ने किया है। इस महिला का नाम बताइए ताकि उसे शर्मिंदा किया जा सके। नोटिस करने वाली बात ये है कि भोपाल की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली प्रोफेसर की कार से फल वाले का ठेला टकरा गया था। कार प्रोफेसर के घर के बाहर खड़ी थी। नाराज होकर प्रोफेसर ने फल वाले को लताड़ लगाते हुए सड़क पर उसके फल बिखेर दिए। वो इस कदर गुस्से में थी कि उन्होंने पूरा ठेला ही पटक दिया और इनकी इसी हरकत को देख गौहर खान भड़क उठी हैं। बता दें कि गौहर खान बिग बॉस सीजन 7 की विनर रह चुकी हैं। बिग बॉस के दौरान इनकी दोस्ती टीवी एक्टर कुशल टंडन से हुई थी। हालांकि लंबे समय तक साथ रहने के बाद दोनों अलग हो गए थे। गौहर खान 2020 में इस्माइल दरबार के बेटे जैद दरबार के साथ शादी के बंधन में बंध गई थीं। तो दोस्तों, आप प्रोफेसर महिला की इस हरकत के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।